इंडिया को अब बस एक ड्रॉ चाहिए द नीड जस्ट अ ड्रॉ अगेंस्ट अफगानिस्तान टू प्रोग्रेस इन टू द फाइनल राउंड थर्ड राउंड ऑफ द क्वालिफायर्स ऑफ द एशियन कप एंड बहुत अच्छी बात है गई यहां पर ओमान डिड अ वेरी गुड जॉब अगेंस्ट अफगानिस्तान वन दे डिफीटेड इन टू वन एंड अब हमें फायदा है यहां पर हमें अफगानिस्तान के अगेंस्ट जीतना जरूरी नहीं है बट वील एम फॉर दैट सिर्फ एक ड्रॉ से हमारा काम बन सकता है बिकॉज वी कैन गो एट दर्ड स्पॉट थर्ड स्पॉट पर हम आ जाएंगे एंड हम थर्ड राउंड ऑफ क्वालिफायर एशियन कप में जरूर एंटर कर सकते हैं सो so गाइज बहुत बड़ा मूवमेंट है इंडियन फुटबॉल के लिए दैट दे कैन एक्चुअली प्ले इन द ए एफ सी एशियन कप नेक्स्ट इनसे पहले वाले मैच में इंडिया वर्सेज बांग्लादेश जब हुआ था तो इंडिया वन टू नील सुनील छेत्री सर ने दो गोल मार

गेनाइज टीम एंड अब जबकि वो मैच हार चुके हैं ओमान के अगेंस्ट दैट दे नीड टू विन दिस गेम सो इंडिया वाले गेम में अफगानिस्तान वॉन्ट सिट बैक हम एक बोल्ड गेम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अफगानिस्तान के थ्रू बिकॉज दे वुड बी वॉटिंग टू अटैक दे वुड बी वॉन्टिंग टू स्कोर अ फ्यू गोल्स बिकॉज उनको ये मैच जीतना मस्ट है बट अपने इंडियन फुटबॉल के लिए हमें यह मैच एक बहुत ही प्रोफेशनल गेम हमें यहाँ पे खेलना पड़ेगा बिकॉज वी ऑल वी नीड इज अ ड्रॉ टू क्वालिफाई हमें लिटरली बहुत ही कंपोज गेम खेलना होगा एंड गाइज इस वीडियो में हम वो सारी बातें करेंगे लाइनअप डिस्कस करेंगे इंडिया वर्सेज अफगानिस्तान गेम के लिए सो गाइज इफ यू फॉर द फर्स्ट टाइम कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड डू लाइक द वीडियो एंड लेट्स प्रोसीड इन टू द वीडियो जैसे कि ये वर्ल्ड कप क्वालिफायर चल रहे हैं इंडिया टीम के जो प्लेयर्स हैं उनको एक पूरा वीक मिला है टू बी वेल रेस्टेड एंड जो मैं लाइनअप बताने वाला हूं मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत ज्यादा चेंज करूंगा पिछले मैच से कुछ चेंजेस होंगे डेफिनेटली बिकॉज गिवन कि आगे अफगानिस्तान है अटैक में डेफिनेटली मेरे साथ सुनील छेत्री सर एंड मानवीर की पार्टनरशिप रहेगी बिकॉज दैट वॉज वर्किंग वेरी फाइन मिडफील्ड में ब्रांडन डेफिनेटली बिकॉज दैट गाय इज सो गुड ही हैज टू स्टार्ट उसकी अबिलिटी टू फाइंड द स्पेस टू पिक द पास एंड टू ड्राइव द मिडफील्ड पुश फॉरवर्ड इज ए

2 1 against Oman, okay? but they scored one big. गोल ठीक है वो टू वन का गेम उनके लिए एक काइंड ऑफ मोटिवेशन हो सकता है बिकॉज दिस कोड वन गोल एंड दैट गोल कैन प्रोवाइड अ मच नीडेड बूस्ट टू देम एक कॉन्फिडेंस दे सकता है अफगानिस्तान को खेल के लिए बिकॉज नेक्स्ट गेम में इंडिया के अगेंस्ट दे वुड थिंक कि यार हम कुछ कर सकते हैं यहाँ पे दे कैन एक्चुअली हर्ट अस बट वी वॉन्ट लेट देम हर्ट अस बिकॉज वी विल प्ले आर बेस्ट गेम सो गाइज लेट मी टेक यू टू द स्क्रीन वहां पर हम लाइनअप डिस्कस करते हैं तो स्क्रीन पे तुम ये लाइनअप देख सकते हो मेरा मैंने यहाँ पे प्रीतम कोटाल साना सिंह झिंगन सर एंड बोस सर को यहाँ पे खिलाया हुआ है एट द बैक फोर ठीक है मेरी फॉर्मेशन है फोर थ्री थ्री दैट कुड बी अ फोर टू थ्री वन एज वेल ठीक है डिफेंस में मिडफील्ड में ग्लेन मार्टिन को डेफिनेटली खेलना पड़ेगा बिकॉज लास्ट गेम इनका बहुत ही तगड़ा गेम था नेक्स्ट लेवल गेम खेला था ग्लेन मार्टिनस ने एंड देन ब्रांडन हैज टू परफॉर्म ब्रांडन हैज टू प्ले दिस गेम सुरेश को मैंने यहां पिक किया मैं बताऊंगा क्यों यहां पे मैंने सुरेश को पिक किया है एंड देन अटैक में बिपिन बिपिन को मैंने यूज किया है सुनील छेत्री सर डेफिनेटली एंड मानवीर को डेफिनेटली यहां पे मैंने खिलाया है लोग कहेंगे यहां पे तुम लिस्टन कोलाको को खिला सकते थे उदांता सिंह को खिला सकते थे बट मेरे हिसाब से जस्ट हेर मी आउट आई थिंक कि हमें इस गेम में एक थोड़ा सा एरियल प्रेजेंस रखना पड़ेगा दैट वुड बी वेरी रिक्वायर्ड बिकॉज हम सबको पता है कि मानवीर सिंह इज वेरी गुड इन एरियल पे एक्स्ट्रा मैन बन चुके रहता है सुरेश को मैंने खिलाया बिकॉज सुरेश ऑल्सो एवरी सिंगल टाइम इन कैन मेक दो रन अप टॉप प्रीतम कोटाल डेफिनेटली काफी ऊपर चढ़ के खेलते हैं ग्लेन मार्टिन की मिडफील्ड में काफी अच्छी पकड़ होती है ब्रांडन कैन बी द गाय जो कि मिडफील्ड से बॉल बनाएगा बिपिन के रन बिपिन की टेनासिटी बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी इस गेम के लिए एंड साना सिंह डेफिनेटली यहां सामने देखा है कि साना सिंह प्लेज सो वेल ये बॉल जो पास करते हैं सुरेश को प्रीतम कोटाल को जो ऊपर जब चढ़ेगा वो तो इट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है मैच के दौरान हम एक थ्री बैक ऑफ़ फॉर्मेशन में रुक जाए बोस उतना ऊपर नहीं चढ़ता है एंड बिपिन सिंह right एक्सपर्ट कर सकता है तो अटैक के फॉर्मेशन में यह हमारी एक स्ट्रक्चर हो सकता है जिस तरीके से हम अटैक करेंगे सुरेश वेरी गुड रनर ऊपर तक जाता है उदांता सिंह को तुम कह सकते हो उदांता सिंह को भी खेला सकते हैं मानवीर की जगह पर बट वो नंबर नाइन प्रेजेंस नहीं देगा पिच पे गाइस एंड आई वांट आई वांट अ नंबर नाइन प्रेजेंस इन आर टीम बिकॉज सुनील छेत्री सर इज नॉट सो गुड इन एयर ठीक है लास्ट टाइम उन्होंने हेड मारा था डेफिनेटली बट एक हाइट की प्रेजेंस जो हमें चाहिए अफगानिस्तान प्लेयर्स के अगेंस्ट दैट मानवीर कैन प्रोवाइड दैट स्ट्रेंथ ही कैन प्रोवाइड फाइन लास्ट गेम में मानवीर सिंह ज्यादा अच्छा नहीं खेला था बिकॉज ही मिस अ फ्यू चांसेस टचेज इन ऑल अच्छे नहीं थे बट आई डू वॉन्ट टू कीप माई फेथ इन दिस गाय बिकॉज काफी अच्छा पोटेंशियल है काफी अच्छा स्ट्राइकर बन सकता है हमारे लिए एंड जब डिफेंस की बात आएगी बिकॉज इस गेम में हमें बहुत ही कॉम्पैक्ट और बहुत ही रिजोल्यूट डिफेंडिंग भी करनी होगी

Afghanistan will come at us guys.

मुझे मुझे लगता है ज्यादा चेंज होगा अब सहल भी है डेफिनेटली सहल भी है ब्रांडन का नेक्स्ट रूप सहल ही इज आल्सो वेरी गुड गुड बॉल्स थोड़ा सा मोमेंट खेला था उसने लास्ट टाइम आउट कतर के अगेंस्ट एनी वाज रियली फेन तो मुझे लगता है अगर हम सब करेंगे तो ब्रांडन की जगह जगह पर सहल को भी ला सकते हैं बोस की जगह पर आकाश मिश्रा को भी ला सकते हैं बिकॉज आकाश यू नो लेफ्ट एंड फ्लैंग से काफी अच्छा रन देता है अप एंड डाउन प्रोवाइड करता है डिफेंस में भी अच्छा है बट इस गेम में वी डोंट नीड टू एक्सपेरिमेंट एनी हमें पता है कि ये हमारे वो लाइनअप है वो इलेवन है जो कि पिच पर रिजल्ट हमें देंगे गाइस एंड बहुत

तभी हमारे पास चांस होगा कि हम उनको हरा पाएं मे बी हम उनको हरा देगा इस बिकॉज इट्स पॉसिबल लास्ट टाइम हमने देखा था कि सुनील छेत्री सर की टेरिफिक परफॉर्मेंस थी uh, आशिक यासिर मोहम्मद भी आगे खेला था तो इट वॉज वर्किंग आउट फॉर अस बट फाइन दैट वॉज बांग्लादेश बट दिस इज अफगानिस्तान ये थोड़ा और ज्यादा फिजिकल खेलते हैं थोड़ा और ज्यादा काउंटर अटैकिंग गेम खेलते हैं एंड लास्ट गेम के बाद से दे वुड बी हाईली मोटिवेटेड टू डू डैमेज अगेंस्ट इंडिया बिकॉज दे हैव टू विन इट बट हम गिव अप नहीं करेंगे वी विल विन दिस गेम एंड मुझे लगता है अगर इस लाइनअप से हम जाए तो पॉसिबल है कि हम मिनिमम एक ड्रॉ तो लेके आ जाएंगे गाइस तो ठीक है और भी ऑप्शन है आप यहां पे चेंजेस कर सकते हो आपको क्या लगता है लाइनअप के बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कुछ चेंजेस अगर आप करना चाहते हो डेफिनेटली बता दो कुछ गलत होगा फॉर्मेशन में डेफिनेटली आप बता सकते हो अगेन इन द कमेंट्स एंड वीडियो गाइस पसंद आया तो लाइक करना सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड आई सी यू इन वॉच भूलनाग इंडिया वर्स अफगानिस्तान के वॉच में मैं आपसे मिलूंगा अंटिल देन एज ऑलवेज पीस आउट